गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अपने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लॉ के स्टूडेंट्स, प्यारे से बच्चे जिनको मैं बडिंग लॉ ल्यूमिनरीज बोलूंगा, जो आज देश की जानी मानी 60 यूनिवर्सिटियां हैं उनसे आकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं, और जो कि कुछ ने तो बहुत कई दिन की जर्नी करी है, कुछ ने कई घंटे की जर्नी करी है, और उनके मन में आज ये मूड कोर्ट्स जो कि बहुत ही उच्चतम अपेक्स एक फंक्शन है, इसको देखने की इच्छा थी, उन सारे बच्चों का मेरी तरफ से, उनका नाम है बडिंग लॉ ल्यूमिनरीज, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बात मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा श्री घनश्याम सिंह राठौर जी का, जो कि 2023 में बार कौंसिल राजस्थान के चेयरमैन बने, एंड ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन 1989 एंड ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम द राजस्थान यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं मनन और स्वागत करूंगा डॉक्टर अमित वैद्य जी का, हु इज ए मैनेजिंग ट्रस्टी बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर्ल ट्रस्ट। उसके बाद मेरा स्वागत है श्री अपूर्वा कुमार शर्मा, चेयरमैन ईसी बीसीआई एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बीसीआईटीपीएफ, जिनका कि 13 साल से भी ज्यादा का लॉ में एक्सपीरियंस है। इन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है और क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के एक्सपर्ट हैं। उसके बाद मेरा स्वागत है श्री सुरेश चंद्र सीमाली जी का, जो को चेयरमैन है बीसीआई एंड मैनेजिंग ट्रस्टी है बीसीआईटीपीएफ, जो कि यूनेस्को के मेंबर भी हैं और 2001 से 2003 तक वाइस चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ राजस्थान है। उसके बाद मेरा स्वागत है श्री एस प्रभाकरन, सीनेट एडवोकेट एंड वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बीसीआईटीपीएफ। श्री प्रभाकरन जी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, वाज 3 times प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एंड हेड्स द तमिलनाडु एडवोकेट एसोसिएशन। इसके बाद मैं स्वागत करूंगा हमारे बहुत यंग लीडर, अभी यंग सुनने के बाद हमारे माननीय मंत्री साहब ने कहा था, लेकिन राठौर साहब को यंग लीडर अभी भी इसलिए कहते हैं कि आज भी उनमें वो ज्यादा, इतना ज्यादा बल है, उतना ज्यादा उत्साह है कि जो किसी भी एक यंग से कम नहीं है, इसलिए उनको गिव अ गुड हैंड्स फॉर हिम। राठौर साहब, माननीय राठौर साहब आज हमारे नेता प्रतिपक्ष राजस्थान की विधानसभा में हैं, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, बीजेपी के जाने माने दिग्गज लीडर हैं, अपने करीब 5 बार चूरू विधानसभा सीट से, 7 बार बहुत जोर से तालियां। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपने भी जो किया है वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB किया है, तो मतलब आप भी एडवोकेट हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मैं समझता हूं, स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राइट। सो इनका पूर्ण स्वागत। और इन्होंने बहुत बिजी थे अपने व्यस्तम समय से, अभी बगल के होटल में इनकी बहुत मीटिंग चल रही थी, पर इनका बहुत तहो दिल से आभारी हूं कि इतने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से भी मेरे प्यारे बडिंग लॉ ल्यूमिनरीज आपको यहां पर आकर के अपने भाषण से अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, आपको आपको स्वागत करेंगे यहां पर आए, मैं उनका तहो दिल से धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैं अपने परम आदरणीय श्री मनन कुमार मिश्रा जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर्ल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आपको पता होना चाहिए कि मनन कुमार मिश्रा जी लगातार 6वें बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने, लगातार 6वें बार, और ऐसा करके उन्होंने एक अभी तक का इतिहास रच दिया है, इसके लिए तालियां। जैसा कि मैं पढ़ रहा था, अभी तक चर्चित वकील राम जेठमलानी तथा बीसी मिश्रा साहब भी बीसीआई के 2 चेयरमैन बने, इसलिए मैं कहां कहूं आपकी कितनी शिष्यता है और आप कितने लोकप्रिय हैं, इसे इसी बात से सब लोग जान सकते हैं। मेरे बडिंग ल्यूमिनरीज कुछ सीख लीजिए, राइट। और 2012 में बीसीआई के चेयरमैन नियुक्त हुए और उसके बाद बराबर चलते चले आ रहे हैं।
मैं मनन साहब का मनन बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। सबसे पहले मैं 2018 और 2019, 18 अंत हो रहा था 2019 शुरू हो रहा था, मेरी मुलाकात, आपका नाम तो मैंने बहुत सुना था जब से मैं लॉ कॉलेज चलाता हूँ, लेकिन उनको मिलने का मौका मुझे पर्सनली तब प्राप्त हुआ। मैं आपके ऑफिस में, बार काउंसिल इंडिया के ऑफिस में गया, मैंने इनसे मिला, इन्होंने मुझे कहा कि आप लॉ कॉलेज चलाते हैं तो आपने अभी तक बार काउंसिल का नेशनल मूट कोर्स क्यों नहीं करवाया। सच बताऊं, मैं इतनी नॉलेज उसमें नहीं थी। इन्होंने कहा नहीं, आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बार काउंसिल का नेशनल मूट कोर्स होना चाहिए, और उन्होंने आज्ञा दिया कि भाई अभी इनको कराइए कि कराएंगे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसके बाद 19 फिर कोरोना आ गया, होते 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 2-3-4 साल निकल गए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मनन साहब का, कि आज सारा श्रेय जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, सारा श्रेय मैं सिर्फ मनन कुमार मिश्रा जी को दूंगा, जिनकी बदौलत हमारे ये 60 यूनिवर्सिटी के जो बडिंग लॉ ल्यूमिनरीज हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारे देश के, हमारे सब लोगों के, लोगों का जो उत्साहवर्धक भाषण सुनेंगे, आपस में मिलेंगे, वो इनकी देन है। उसके बाद मैं बहुत ही नम्रपूर्वक स्वागत करूंगा हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री दिनेश माहेश्वरी जी का, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जज हैं, अभी कुछ दिन पहले ही फॉर्मर हुए। बहुत बहुत तालियां आपके लिए। जस्टिस माहेश्वरी प्रैक्टिस फॉर ओवर मोर देन 23 इयर्स, देन इन 2004 ही वाज अपॉइंटेड एज जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, देन ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट इन 2016, एंड देन अगेन took the oath as चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन 2018, देन ही बिकेम जज ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री इन 2019। सो ग्रेट पर्सन हु हैज रीच अप टू द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, and he has completed about 4 years his tenure in our apex court, Supreme Court of India. And to his credit, my dear friends, my dear small student children, he has given more than 110 judgment who are documented, and he was the part of 441 वो 440 बेंचेस में बैठे हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन, आपके साथ है, मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों। मैं सारे जजमेंट इनके पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक तरह से मुझे बड़ा उत्साह आया, और मैं एक अतीब, मुझे एक एनर्जी पैदा हुई कि कितने गर्मा में ही हमारे महेश्वरी साहब हैं, कि इन्होंने सबसे पहले उस जजमेंट को अपहोल्ड किया जिसमें कि ईडी को अरेस्ट करने की, अटैच करने की, सीज करने की, सर्च करने की सारी कंडीशंस, पावर दी गई उस जजमेंट को अपहेल के किया। इसलिए आज हमारे देश में अगर कोई चीज को लॉ एंड ऑर्डर को बनाना है तो सारा श्रेय मैं ऑनरेबल जस्टिस साहब को दूंगा। और देखिए, यही नहीं, हम जानते हैं आज हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश जो इसलिए आगे बढ़ रहा है, आज देश का मैं विचार भ्रमण करता रहता हूं, और करते करते जहां भी किसी देश में जाता हूं, आज देश में चाहे मैं कहीं भी जाऊं, अगर जाता हूं तो मुझे कोई आदमी इसमें पूछता हूं कि भाई आप भारतवर्ष में किसी को जानते हो, तो चाहे वह छोटा सा बच्चा भी होगा, चाहे वहां का छोटा सा कोई टेक्नीशियन भी होगा। और मैं ये भी बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि मैं चाइना जैसे कंट्री में भी गया, तो अगर वहां वो किसी को भी जानते हैं हमारे देश में और आदर से नाम लेते हैं, तो वो है हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
मैं ये अभी कहना ये क्यों चाह रहा हूं बताऊंगा। अभी बहुत दिन पहले जात बात नहीं है, मैं बहुत ट्रेवल करता रहता हूं, उससे मेरा थोड़ा हाथ भी गिर गया एयरपोर्ट पे, पर उससे पहले मैं जर्मनी ट्रेवल कर रहा था। मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था और मैं न्यूयॉर्क से बर्लिन रुका था, ज्यादा नहीं 3-4 महीने पहले की बात है, और बर्लिन में सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट रुकी। मैं उसके लाउंज में गया और मुझे टाइम चेंज हो रहा था तो मुझे बहुत भूख लगी, तो मैं भूख लगने के लिए वो लाउंज में गया, अच्छा खाना कुछ और खाने को मिल जाए। मैं गया तो लाउंज में वहां पे डिफरेंट्स अखबार रखे हुए थे और उस अखबार में सारे जर्मनी में थे, मुझे इंग्लिश का अखबार नहीं मिला, सब जर्मनी के मिले, लेकिन एक अखबार पर जाके मेरी नजर टिक गई। आप जानते हो क्या था, वहां की फेमस जानी मानी फाइनेंस मैगजीन थी वो वहां की, उसका नाम बहुत अच्छा नाम है लेकिन जर्मनी की नंबर वन टॉप फाइनेंस मैगजीन है, उसको मैंने नजर गई तो उसका फ्रंट पेज बहुत बड़ा पेज था अखबार का, उसके फ्रंट पेज पे हमारे आदरणीय माननीय जी नरेंद्र मोदी जी की फोटो छपी हुई थी। अब मुझे बड़ा उत्सुकता हुई, मैं तुरंत अखबार को लेके आया, कुछ चाय बिस्कुट लिए, ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। अब वो सारा जर्मन में लिखा था, मैं पलटता गया, करीब 4-5 पन्ने उनके उसके बाद लिखे हुए थे, बहुत से कर्व, बहुत से डिजाइनें बनी हुई थी, बहुत कुछ लिखा गया था, जैसे कोई साइंटिफिक विश्लेषण होता है उस तरह का लिखा जा रहा था। अब मैंने कहा इसको कैसे पढ़ा जाए, हमने एक जर्मन से पूछा, बुलाया, उसने थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के बोला, लेकिन वो भाव नहीं दे पाया जो भाव उस मैगजीन में लिखे थे। मेरे डॉक्टर दीपक नाथिया जी मेरे साथ थे, मैं वो उनको बुलाया, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई इसको हम कैसे तुरंत गूगल के तरीके से हर लाइन को तुरंत ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, तो मैंने उसको इंस्टॉल किया और मैंने इस पूरी लाइन को पढ़ता गया। आपको गर्व होगा इस बात का कि वो देश भी जर्मन जैसा देश आप मान सकते हैं आज का कितना स्ट्रांग टेक्निकल देश है, उन्होंने उस 4 पन्ने की बड़े बड़े पेजेस के अंदर पूरा 1.5 पन्ना तो मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखा हुआ था, और बाकी के 3 पन्ने में इंडिया का विश्लेषण किया गया था कि इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, इंडिया कैसे वर्ल्ड की 5th सुपर पावर बना है, और वहां पे IMF वर्ल्ड बैंक का भी लेख किया गया था कि यही नहीं जैसे अपने कंट्री में सुनते हैं, उसमें था कि आने वाले कुछ ही समय में इंडिया कैसे वर्ल्ड की लीडिंग मैन पावर, लीडिंग इकोनॉमी बनेगा, ये सब उसमें लिखा हुआ था। और मेरे बच्चों, उसके लिखने वाले 2 जो ऑथर थे वो बिल्कुल जर्मनी के थे। अब सोचिए, फिर एक बार तालियों में जाइए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। मैंने वो अपने पास वो रखा और रख करके फिर मैं लाया, फिर मैंने मेघवाल साहब, हमारे जो आदरणीय लॉ साहब मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको बताया, लेकिन तब तक बताने में हमें कुछ देर हो गई थी जब तक मैं पहुंचा बताया। लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं चाइना में गया और चाइना में कुछ मैं सामान खरीदने गया था, एक छोटे से जब मैं फैक्ट्री में था तो वो लोग मुझे कुछ फोटो दिखा के बोलते हैं, डू यू नो द जेंटलमैन, मैंने व्हाई नॉट, इज अ प्राइम मिनिस्टर, यू नो, मैंने हाउ यू नो, ओ वी फॉलो हिम, सो हाउ द ग्रेट पीपल ऑफ चाइना ऑल्सो फॉलो हिम, ही इज अ ग्रेट पर्सन। अब मैंने ये क्यों कहा, ये इसलिए कहा संदर्भ में कि जिन माननीय जस्टिस श्री दिनेश महेश्वरी जी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अभी जस्ट ही उन्होंने अपने जस पद को छोड़ा है, उसका इससे लिंक है। लिंक यह है कि ऐसे ही जब महान व्यक्ति होते हैं तो उनपे आप, मेरे प्यारे बच्चों, आपके सुनने के लिए, जब आप महान बनते हैं, महान बनते हुए जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत से रोड़े अपनाने आते हैं, और हर आदमी, दूसरा आदमी आपकी टांग खींचने की कोशिश करता है। तो आज जिस माननीय
प्रधानमंत्री जी को आप प्राइम मिनिस्टर इतने बिलेवेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं कंट्री में नहीं पूरे विश्व के अंदर, उन पर भी कुछ समस्याएं आ गई थी गुजरात रॉयल्स में। एंड जज साहब ने, मैजिस्ट्रेट साहब ने अपने जजमेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी क्लीन चिट को अपहेल्ड किया, इसलिए उनकी बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब का हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए ऐसा करने के लिए। आपका एक जजमेंट और पढ़ा मैंने, मदर हैज राइट टू गिव स्टेप फादर सरनेम टू चाइल्ड आफ्टर डिमाइस ऑफ बायोलॉजिकल फादर, वेरी ग्रेट जजमेंट गिवन बाय माहेश्वरी जी। देन जज साहब इन हिज बेंच अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। आप लोगों ने सेंट्रल विस्टा का नाम सुना होगा, मैं दिल्ली अक्सर जाता रहता हूं और वहां पे किसी को अभी सेंट्रल विस्टा के अंदर जाने का इस बार मौका नहीं मिला है, लेकिन बाहर से देखा है, फोटो देखने को मिली है। इन्हीं कारणों से इतना विशाल प्रोजेक्ट था, कुछ रीजन से कुछ लोगों ने इधर से उधर से करके उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने अपना फैसला दे करके उस सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट को स्टार्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद हूं जज साहब। एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया, उसके लिए मुझे महिलाएं यहां बैठी माफ करेंगी, उन्होंने अपने एक जजमेंट को पढ़ा, मैंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा, उसमें लिखा था कि वाइफ लेवलिंग एलिगेशन अफेक्टिंग द कैरियर ऑफ ए हस्बैंड इज ए मेंटल क्वालिटी। दैट्स वाज अ वेरी 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 जजमेंट प्रोबेबली गिवन टू सम ऑफ द पीपल ऑफ अवर द मेल कम्युनिटी। देन एक लैंडमार्क जजमेंट मैंने देखा, इसमें राजस्थान के प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आपने 15% डिडक्शन इन एनुअल स्कूल फीस के बारे में बोला, मैं आपको राजस्थान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि डिसेबिलिटी की वजह से हम बहुत सी नौकरियों में रुक जाते हैं, तो मैं सर्च कर रहा था तो उसमें बहुत पहले के जमाने में होता था कि हार्ट की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी डिसेबिलिटी माना जाता था, लेकिन जज साहब ने हार्ट एलिमेंट नॉट ए डिसेबिलिटी कवर अंडर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का दिया, जिससे उस आदमी को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। ऐसे बहुत से जजमेंट लिखे हैं आपने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां जज साहब के लिए। बहुत हैं, बहुत जजमेंट है, आप पढ़ेंगे रैली, आप देखिएगा, मैं तो बहुत बेबस, समय नहीं है। अब मैं उसके बाद तहो दिल से जिनकी दिल से भी इज्जत करता हूं, मैं दिल से इज्जत करता हूं अपने आदरणीय, मेरे और सबके बहुत प्यारे जन नेता और हमारे देश की लॉ मिनिस्टर, मैं गर्व से कहता हूं जो कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट अफेयर्स कल्चर एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ बहुत थोड़ी सी बातें आपको मेघवाल साहब के बारे में बताऊंगा, मैं इनके व्यक्तित्व में, दो मिनट सर, इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं इतना प्रभावित हूं कि जब मैं इनके पास जाता हूं, इनका बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है, हमेशा भरा रहता है, मैं भी एक कोने में जाके बैठ जाता हूं और पहले पूछते हैं कि बताइए, मैं नहीं सर मैं सुन रहा हूं, सबसे आप मिल लीजिए, अब सबकी बातें सुनूंगा फिर मैं आपसे बोलूंगा। तो ऐसे मतलब इनके दरबार से मैंने किसी को निराश होते जाते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, एक बिल्कुल सच बात बोल रहा हूं कि जब अभी जो आग जो में यूपी के चुनाव थे, सर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, सर को साथ ध्यान नहीं है, मैं बैठा हुआ था वहां, एक विधानसभा सीट के लिए दो उम्मीदवार बैठे हुए, दोनों सर के पास टिकट मांगने आए हुए थे और सर ने दोनों को ऐसा समाधान करके भेजा कि मैं इतना ज्यादा गदगद हुआ कि मुझे लगा ये देखिए ये सहलता है, सर को शायद याद नहीं होगा, लेकिन
वो आगरा के किसी एरिया से टिकट मांगने आए थे। तो अर्जुन नाम मेघबाल एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए, डूंगरपुर कॉलेज से वकालत की ये LLB हैं। उसके बाद एक बार तालियां मेरे बड़े ल्यूमिनरी, ये भी LLB हैं। यस वंस मोर, वेरी गुड गुड। इसके बाद सबसे पहले ये इनका दो तरीके से व्यक्ति शुरू हुआ। एक तो टेलीफोन ऑपरेटर्स की स्ट्राइक हुई, तब आप उसमें महासचिव चुने गए, तो थोड़ा सा इनके मन में एक चुनाव का और एक राजनीति में जाने का मन पैदा हुआ। और साथ में इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा पास करी और RAS बने, उसके बाद IAS बने, और IAS पद पर रहते हुए उन्होंने विभिन्न पदों को प्राप्त किया। और अपनी इस मेहनत के कारण ही आप जहां पहुंचे आप समझ सकते हैं। एक बड़ी मैं आपसे कहता हूं, दो बातें बताऊंगा कि 2009 से मेघवाल साहब लगातार 3 बार लोकसभा सीट से चुनाव जीत के आ रहे हैं। और देखिए इनके पास कार सरकार की कार थी, इसके बाद भी ये पार्लियामेंट साइकिल से जाते हैं। आपको शायद मना नहीं पता नहीं होगा, साइकिल से जाने वाले ऐसे सांसद हैं, मिनिस्टर हैं। सरकार ने इनको मना किया कि भाई आपकी सुरक्षा का सवाल है, आप साइकिल से न चले। तब जाकर के साइकिल उन्होंने मजबूरी में छोड़ी, लेकिन ये वो शख्स हैं। और राजस्थान की पगड़ी को सर में हमेशा सजाए रखने वाले माननीय अर्जुन राम मेघवाल, देखो तो काफी संघर्षों के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और यही नहीं, 2013 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ऐसे हमारे माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, लुमिनरीज ऑफ लॉ, सब लोग खड़े होकर के हमारे डिग्निटीज का स्वागत करें। सब खड़े हो जाएं, स्वागत करें। ऐसे उच्चतम लोग यहां पर आए हुए हैं। बैठ जाएं। बस मैं एक लाइन अब कहूंगा और उसके बाद भाषण को विराम दूंगा। मैंने आपको खड़ा क्यों किया बच्चों? इसलिए खड़ा किया कि बहुत बड़ा शब्द आपको बोल रहा हूं, लाइन बोलने जा रहा हूं। जब मैं MD पीडियाट्रिक MBBS की बात कर रहा था, उस समय न तो मेल थी, न ही टेलीग्राम चलते थे, चिट्ठी चलती थी। मेरा मन था, ये बात बड़ी याद रखिएगा, मेरा मन था कि मैं हार्वर्ड जाके पढ़ूं। उसके मैंने लगन करी और मैं हार्वर्ड पहुंच गया। तो ये इसलिए कहना चाहता हूं मेरे प्यारे लॉ बडिंग ल्यूमिनरीज, ये खड़े हो के आपने प्रण किया है, इतने डिग्निटीज बैठे हुए हैं, उनमें आपको क्या बनना है या सोच लीजिए और आज से प्रण कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मेरा आशीर्वाद आप सबको।